अस्सलाम वालेकुम। आज माजी के दस्तरखान में हम रबड़ी दूध बना रहे हैं। इसके लिए शुगर मैंने ली थी 1/2 कप। इससे अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा रख लें। हमने इसे कैरमलाइज करना है और पैन वो लेना है जिसका नीचे से पैंदा मोटा हो। बारीक बर्तन नहीं लेना कोई भी, वरना आपकी चीनी बहुत बुरी तरह जलेगी। हल्की आंच पे इसे हमने रखना है, फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेल्ट होना शुरू होना है, एकदम नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये जलेगी भी नहीं। फ्लेम बहुत हल्की रखनी है, मीडियम सी, बहुत मीडियम। ये देखें चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ये इसने अपने पानी में इसने बनना है, इसने इसका कैरेमल बनेगा अपने पानी में। आपने पानी कोई नहीं एक्स्ट्रा डालना। और रबड़ी दूध की ख़ास बात सिर्फ यही है कि इसमें चीनी कैरमलाइज करके डालते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी ब्राउन होना शुरू हो गई। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, अगर प्लास्टिक का चम्मच आप लेंगे तो वो पूरी तरह नीचे से जलेगा। ये देखिए चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई और हमारी कैरमल बन गया चीनी का। थोड़ा थोड़ा सा दूध आप डालें, 1 गिलास मैंने दूध डाला था। सारा दूध एक साथ नहीं डालें, इसलिए कि चीनी हमारी जो कैरमल हुई है वो मिक्स हो जाए। दूध मैंने तकरीबन 1.5 लीटर लेना है। 1-1 गिलास करके आप डालते जाएं, तकरीबन 4 गिलास भरे हुए दूध और 1/2 गिलास मैं कस्टर्ड पाउडर डालने के लिए रखूँगी। दूसरा गिलास भी आप इसी तरह करके डाल दें, जब वो पहला उबलना शुरू हो जाए। इसी तरह करके आपने 1-1 करके 4 गिलास आपने डाल देने। और मैंने दूध को ज़रा अच्छी तरह पकाना है। बाज़ लोग तो बहुत थोड़ा पकाते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी कि तकरीबन 1 गिलास दूध मेरा खुश्क हो जाए। 3 गिलास दूध डाल दिए मैंने, एक और मैं डाल दूँगी इसके बाद। इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैं पकाती हूँ। जल्दी नहीं आप करें। थोड़ा सा मैंने खोया लिया था, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें। वैसे भी मैं दूध थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ। 2 टेबलस्पून चिया सीड, जिसे हम थुक मलंगा भी बोलते हैं, चिया सीड आपने भिगो के एक साइड पे रख देने हैं ताकि ये फूल जाएं। ये गर्मियों के मौसम में चिया सीड ठंडे भी होते हैं। और दूसरे रबड़ी दूध में मस्त है डालना, बहुत अच्छे लगते हैं। 2 सब्ज़ इलायची साबुत में डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा पाउडर सब्ज़ इलायची का डाल दें। मैं डालने के बाद इन्हें निकाल देती होती हूँ हमेशा। घर में आप दूध बनाएं, कोई भी और चीज़ जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, कोशिश किया करें घर में बनाएं। साफ़ सुथरी बनेगी और बाज़ार से सस्ती भी पड़ेगी। सब्ज़ इलायचियाँ दोनों मैं निकाल दूंगी और दूध देखें पहले से कुछ ठीक हो गया है। अगर आप इसे और ठीक करना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा खोया डाल दें। मैं थोड़ा सा इसमें खोया भी डालूंगी। सब्ज़ इलायची का फ्लेवर काफ़ी निकल गया होगा, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। दूध देखें मैंने 4 गिलास डाले थे, पकने के बाद तकरीबन 3 गिलास रह गए और थोड़ा सा मैं खोया घर में मेरे पास पड़ा हुआ था बना हुआ, मैंने वो डाल दिया। इसे अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लें, पक जाए। इसके बाद फिर हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड, अक्सर लोग कस्टर्ड पानी में मिक्स करते हैं लेकिन मैं कस्टर्ड हमेशा दूध में डाल के मिक्स करती हूँ, इसलिए कि पानी को फिर उतना पकाना पड़ेगा। 1/2 गिलास मैंने रख लिया था कस्टर्ड पाउडर में डालने के लिए। 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड आपने इस्तेमाल करना है। उसका कलर आपकी शुगर की तरह, जैसे कैरमलाइज की हुई चीनी हमारी हो गई थी उसी तरह का हो जाएगा। रबड़ी दूध में लैदा नहीं लगेगा, सेम उसी तरह हो जाएगा। और दूध हमेशा कस्टर्ड वाला दूध डालते वक्त फ्लेम आप बहुत हल्की कर दें और चम्मच मसलसल आपने हिलाते रहना, वरना गुठली बन जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ 2 चम्मच इतने दूध में, 1.5 किलो दूध में मैंने 2 चम्मच भर के टेबल स्पून कस्टर्ड के लिए थे, ज़्यादा नहीं आपने डालना। इससे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थिक हो जाएगा, जिस तरह का हमें चाहिए। देखें इसकी फॉर्म, थिक फॉर्म कितनी अच्छी है। 5 से 7 मिनट आप इसे अच्छी तरह पका लें। मैं इसे अच्छी तरह पका लूँगी ताकि कच्चा पन्ना कस्टर्ड का रहे। उसके बाद हमने इसे ठंडा कर लेना है। कुछ चम्मच की मदद से मैं पैन भी ठंडा करूँगी। उसके बाद आप
किसी दूसरे बर्तन में बाउल में डाल के उसे ठंडा कर लें। ये देखें, इस तरह की फॉर्म हमें कस्टर्ड की चाहिए। मैंने दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें दूध काफ़ी हद तक पहले पैन में मेरा ठंडा हो चुका था, रबड़ी दूध। अब सारा इसमें डालने के बाद इसमें मैं आइस क्यूब्स डाल दूंगी। आइस हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए कि इसे जितना ठंडा दूध होगा उतना टेस्टी लगेगा। उसके बाद आप अच्छी तरह ज़रा इसे और मिक्स करें। और इसके बाद आपने चिया सीड जो हमने तैयार करके एक साइड पे रखे थे, आपने वो डाल देने हैं ठंडा दूध करने के बाद, और मज़ेदार आपका रबड़ी दूध बनेगा। आइंदा से बाज़ार से बच्चों को मत पिलाएं, लेके घर में बनाएं, और आपकी वाह वाह भी होगी कि माशाल्लाह कितने मज़े का बनाया। और दूसरा, आपकी सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये माशाल्लाह चिया सीड काफ़ी फूल चुके हैं, इन सभी को मैं रबड़ी दूध में डाल दूंगी और अच्छी तरह इसे मिक्स करें। देखिए माशाल्लाह कलर भी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आया हुआ है। अगर आपको शुगर थोड़ी सी तेज़ चाहिए तो आप थोड़ी सी चीनी और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी हल्की रखती हूँ। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। आज का हमारा रबड़ी दूध तैयार है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।